सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने सोने और चांदी की कीमतों पर बड़ा नियम लागू कर दिया है, जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। जानेंगे पूरी खबर के बारे में, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं सोने और चांदी की कीमतों में कितनी गिरावट आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि सोने और चांदी के भाव में गिरावट आ रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही चांदी के भाव में 6 से 7 हजार रुपए तक की गिरावट आ चुकी है, तो वहीं सोने के भाव में उच्चतम स्तर से 9 हजार रुपए तक की बड़ी गिरावट आ चुकी है। आपको बता दें कि सोने और चांदी पर हॉलमार्किंग का नियम लागू हो चुका है। ऐसे में सरकार ने सोने और चांदी पर एक और बड़ा नियम लागू कर दिया है, जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा। भारत सरकार के आदेश के मुताबिक विदेशी बाजार में कीमतों में गिरावट के कारण भारत सरकार ने सोने चांदी के आधार आयात मूल्य में कटौती की है। आमतौर पर हर पंखवाड़े संशोधित आधार आयात कीमतों का उपयोग सोने और चांदी पर शुल्क की गणना के लिए किया जाता है। यानी कि सीधी सी भाषा में समझे तो भारत में सोने की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन हमारे पास में इतना सोना मौजूद नहीं है, इसीलिए 80% से ज्यादा सोना विदेशों से मंगवाया जाता है और उसके ऊपर शुल्क देना पड़ता है। हालांकि भारत सरकार ने सोना सस्ता करने के लिए आयात मूल्य में कटौती का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सोने की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी गिरावट आई है, तो वहीं आने वाले दिनों में सोना काफी सस्ता हो सकता है। हालांकि जुलाई के बाद सोना महंगा हो जाएगा।